नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर इरफान खान ने साल 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन इरफान की एक्टिंग से लेकर उनकी जिंदादिली आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। भले ही आज इरफान खान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोगों का भरपूर तरीके से मनोरंजन करती हैं। अब इसी बीच इरफान खान के फैंस को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल एक्टर की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। और इस फिल्म के ट्रेलर में इरफान खान को आखिरी बार देखकर फैंस की आंखें नम हो गई हैं। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस फिल्म में एक्टर इरफान खान एक ऊंट के व्यापारी के किरदार में नजर आएंगे, और फिल्म में इरफान अपनी राजस्थानी भाषा से फैंस को आकर्षित कर रहे हैं। वीडियो में बिच्छू के काटे का इलाज एक ईरानी फ्रेंच मूल की एक्ट्रेस गोल शिफ्टे फरहानी करती हुई नजर आ रही हैं। तो फिल्म में एक वैद्य की भूमिका निभा रही हैं वो। फिल्म के ट्रेलर को ट्रेड एनालिटिक्स तरण आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए तरण ने लिखा है, इरफान खान की आखिरी हिंदी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस 28 अप्रैल को रिलीज होगी, और इस फिल्म के जरिए इरफान खान को हम ट्रिब्यूट देंगे। इरफान खान की आखिरी मूवी द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस के ट्रेलर पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, लेजेंड्स कभी नहीं मरते हैं। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इरफान खान सर आज भी जिंदा है। एक और यूजर ने लिखा, द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस को लेकर लिखा है, याद आ गई एक बहुत ही अच्छे एक्टर की, मिस यू इरफान भाई। बता दें कि द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस फिल्म में इरफान खान के अलावा दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। तो इसी तरह की एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।